जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेट। हिंदी में इसको कहते हैं समुच्चय। हम आज एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 1.2। इस 1.2 एक्सरसाइज में सबसे पहले हम आज तीन सेट, टाइप्स ऑफ सेट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें तीन सेट मैंने लिए हैं। पहला सेट है एम्प्टी सेट, दूसरा है फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट और तीसरा है इक्वल सेट। पहले इन तीनों सेट के बारे में हम क्या है इसका बेसिक है ये सीखेंगे, फिर एक 1.2 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं पहले तीनों कौन कौन से सेट है। पहला लिखा है द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या है, ये लिखी हुई है कि ए सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, उस सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब खाली, खाली सेट, एक भी एलिमेंट नहीं। इस एम्प्टी सेट का अदर नेम है नल सेट, इसको हम नल सेट भी कहते हैं, और अदर नेम है वॉइड सेट, इसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं। यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उस सेट को हम कहेंगे एम्प्टी सेट। मतलब एक तो खाली दिखना चाहिए, एक भी एलिमेंट नहीं हो, तो ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं। अब हम नल सेट को या एम्प्टी सेट को किससे डिनोटेट करते हैं, तो लिखा हुआ है इसको हम ऐसा साइन लगाएंगे फाई, ये फाई से डिनोटेट करेंगे। यानी जहां भी कहीं मान लो फाई लिखा हुआ है तो समझ लेना वहां कौन सा सेट है, नल सेट। और इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेट करते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट है और इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट। तो समझ में आ गया बच्चों, एम्प्टी सेट वो सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। इसका अदर नेम नल सेट, अदर नेम वॉइड सेट है, और इसको इस साइन से और इस साइन से डिनोटेट करते हैं। अब आया है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डिफाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। मतलब एक ऐसा सेट जो एम्प्टी हो, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फिक्स हो, यानी कि किसी भी सेट में एलिमेंट जो है वो हम अगर उसको काउंट कर सके, उनकी संख्या अगर फिक्स निश्चित हो, तो ऐसे सेट को हम कहेंगे फाइनाइट सेट। और अगर उसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित हो, तो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। जैसे मान लो मैं आपको कुछ एक सेट बनाना है, ए सेट ऑफ द मंथ ऑफ ए ईयर, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं उस महीनों का एक सेट बनाना है। तो आप जानते हैं एक महीने, एक वन ईयर में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। तो आप जनवरी से लगा के दिसंबर तक 12 महीनों का नाम लिखे, आप कर्ली ब्रैकेट में लिखे एक सेट बना सकते हैं। तो इसमें देखो आप मैक्सिमम एलिमेंट कितने लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं। तो 12 क्या है, एक फिक्स है और जिसको आप काउंट कर सकते हैं। अब मान लो मैं कहूंगी नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, अब नेचुरल नंबर आपको सेट बनाना है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं। तो इसमें क्या है, एलिमेंट की संख्या फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, है ना। ऐसे हम कहेंगे इनफाइनाइट, जिसमें संख्या फिक्स निश्चित हो उसको कहेंगे इनफाइनाइट, ठीक है। अब आया है इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब समान सेट, समान सेट किसके बीच कंपेयर करेंगे, दो सेट के बीच कंपेयर करेंगे। यानी कि दो सेट इक्वल सेट तब कहलाते हैं इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। यानी कि दो सेट इक्वल सेट तब कहलाते हैं जब उनमें एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट जो है दोनों में क्या हो, सेम हो। यानी पहला वाला एलिमेंट कोई सेट ए है, इसमें अगर एलिमेंट 4 है, ए बी सी डी 4 है, और दूसरा वाला एलिमेंट इसमें भी एलिमेंट कितने हैं, 4 है, लेकिन मान लो आगे नीचे हो डी सी बी ए इस तरह से हो, लेकिन इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, सेम हो, यानी कि एलिमेंट अगर सेम हो तो हम उसको कहेंगे क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। जब दोनों में एलिमेंट इक्वल आएंगे, सेम आएंगे, यानी कि ए के एलिमेंट बी में मिलते हो या बी सेट के एलिमेंट ए में
ठीक है। तो बच्चों आपको मैंने सेट के बारे में बताया, एक क्वेश्चन करवाया।